हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों की फोर्थ टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं, और वो है एल्कोहलों के OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अब एल्कोहल ROH होते हैं, इनके ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित होता है, और इस लोन पेयर के कारण एल्कोहल लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षारक लोन पेयर के कारण, और ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को या किसी खनिज अम्ल को ये प्रदान करके और लवण निर्मित कर देते हैं। जैसे HCl, इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर इस खनिज अम्ल के इलेक्ट्रॉन स्नेही को ये प्रदान करते हैं और ये बना लेते हैं RO प्लस H। एक H ऑक्सीजन पे पहले से था, ये दूसरा H R O पॉजिटिव H और H और ये Cl नेगेटिव, इसको कहते हैं एल्किल ऑक्सोनियम। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। एल्किल समूह जुड़ रहा है, एल्किल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सोनियम, और Cl को क्लोराइड, Cl माइनस को क्लोराइड कहते हैं, तो ये हो जाएगा एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। उसके बाद ये तो बात हुई लोन पेयर के कारण, तो लोन पेयर के कारण ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों के साथ रिएक्शन करके और लवण बनाते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये साल्ट है, और लोन पेयर अपने किसी लुईस क्षारक के ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, और वो क्या करता है किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दे करके और लवण निर्मित कर लेता है। तो ये लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं एल्कोहलों की। फिर है एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण और कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, यानी कार्बन श्रृंखला में वृद्धि और कार्बन श्रृंखला में कमी। यदि कार्बन बढ़ जाते हैं तो उसको आरोहण कहेंगे, और यदि कम हो जाते हैं तो उसको अवरोहण कहेंगे। अब देखो मेथेनॉल की रिएक्शन है PCl5 के साथ, जब एल्कोहलों की रिएक्शन PCl3 या PCl5 के साथ होती है तो OH समूह जो है हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है OH हट जाएगा और ये बन जाएगा, A बन गया। A की जब KCN के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से KCl निकल जाता है, तो B क्या बन गया, माइनस KCl CH3 CN, और CH3 CN का जब रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है, अब चेन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो इन पाई बंधु को तोड़ दो को तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी एमीन बन जाती है, और टोटल चार हाइड्रोजन अब चेन में यहाँ काम में आते हैं एमीन। फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, और नाइट्रोसिल क्लोराइड कहलाता है टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक, और टिल्डन अभिकर्मक की जब रिएक्शन होती है तो ये इस तरीके से रिएक्शन करता है, यानी N2H2O और ये CH3CH2Cl, यानी D बन जाएगा CH3CH2 और Cl। इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी तो ये OH माइनस Cl को हटा देगा, तो माइनस हो जाएगा KCl, ये K प्लस CaCl माइनस KCl, हो जाएगा CH3CH2OH, यानी E हो जाएगा CH3CH2 और OH। ये तो बात हुआ कार्बन श्रृंखला में आरोहण की, मेथेनॉल था और उससे अपने को क्या मिल गया एथेनॉल, यानी एक कार्बन परमाणु में क्या हो गई वृद्धि हो गई, ये हो गया एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। और अपने को कई सारी अभिक्रियाएं याद रखनी पड़ेंगी तब अपन इस प्रकार से आरोहण और अवरोहण कर सकेंगे। कोई सी भी अभिक्रिया दे सकता है कि ये अपने पास शुरुआती है, इससे ए बनता है इन अभिकर्मकों की उपस्थिति में, उससे बी बनता है, इनकी उपस्थिति में सी बनता है, यानी इस तरीके से दिख के दे सकता है, लेकिन ये बहुत सारी अभिक्रियाएं अपने को याद रखनी पड़ेंगी तब जाके अपन इसको हल कर पाएंगे। फिर देखते हैं एल्कोहलों में कार्बन
श्रृंखला में अवरोहण। अब की बार कार्बन श्रृंखला में क्या है, कमी, यानी कार्बन दो हैं, दो से एक पे लाना है। एथेनॉल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण हो जाता है। OH ये H ये, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ CH2H और OH। एलुमिना भी क्या होता है, निर्जली कारक, यानी मैं इसको निर्जलीकरण कह सकता हूँ। निकाल दो H2O, एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक इस वैलेंसी इस कार्बन की, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, यानी A हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर O3 ओजोन के साथ रिएक्शन, तो एल्किनों की ओजोन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड बनाने के लिए डबल बॉन्ड को तो हटा दो और तीन ऑक्सीजनों को इस तरीके से जोड़ दो, यह है ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड जो है वो टूटता है जिंक और H2O की उपस्थिति में, और जब जिंक और H2O की उपस्थिति में टूटता है तो इस तरीके से Y पोजीशन में तोड़ेंगे। ये एक अलग है, 11th क्लास का टॉपिक है, वैसे 11th वाले में पढ़ेंगे अपन, आप पढ़ चुके हैं वैसे। तो ये बन जाएगा CH2O, ये भी CH2O बन जाएगा, यानी C बन जाएगा HCHO। इसको क्या कह सकते हैं, CH2O भी कह सकते हो। अब ये है HCHO या CH2O, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ये है ये। और फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाएंगे अपचयन, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, एक एच इधर एक एच इधर, तो ये ई हो जाएगा CH3OH। एच इधर दोगे तो CH3 और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बन परमाणु दो थे और दो से किस में कन्वर्ट हो गया, एक कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये कहलाती है एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में अवरोहण, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी। अब यानी कोई सी भी रिएक्शन को आपस में जोड़ करके अपन ये आरोहण और अवरोहण कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो। लेकिन वहाँ आपको जब एग्ज़ाम में देगा तो उसने अगले ने ऊपर क्या लिख रखा है, वो अभिकर्मक काम में लेते हुए अपने को आरोहण और अवरोहण करने, तो अपने को इस तरीके से अभिक्रियाएँ आरोहण और अवरोहण एल्कोहलों की या किसी और अभिकर्मक की भी आपको इस प्रकार की अभिक्रियाएँ दी जा सकती है।